नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। एनसीपी नेता शरद पवार ने एक बड़ा बयान दिया है, लेकिन उस बयान को सुनकर के आप भी समीक्षा करेंगे कि क्या शरद पवार ने जो भी कहा है वो सही कहा है। सबसे पहले हम आपको बता ही देते हैं कि शरद पवार ने कहा क्या। शरद पवार ने एक निजी टेलीविजन चैनल के कार्यक्रम में एक सवाल के जवाब में कहा कि राहुल गांधी को अब बहुत सीरियसली लिया जाता है और आने वाले समय में वो देश का नेतृत्व जरूर करेंगे। अब आप सोचिए कि शरद पवार को ये बयान क्यों देना पड़ रहा है। सबसे पहले, शरद पवार एक ऐसी शख्सियत हैं जिनको विपक्ष की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। किन परिस्थितियों में क्या स्टैंड लेना है ये शरद पवार से अच्छा कोई नहीं जानता। इंडिया अलायंस को मजबूत करने की भी कवायद जिस तरीके से शिद्दत से राहुल गांधी कर रहे हैं, उस प्रयास में अपने उम्र के बढ़ते हुए उम्र के बावजूद भी शरद पवार उनको सहयोग कर रहे हैं। हालांकि अपना ही घर उनका इस समय बिखरा हुआ है, एनसीपी में लगभग दो फाड़ हो गया है और अब वो सार्वजनिक तौर पर ये स्वीकार भी करते हैं कि एनसीपी से जो लोग चले गए हैं उनका हाल वो जाने, लेकिन एनसीपी महाराष्ट्र के चुनाव में और आने वाले लोकसभा के चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगी। पहले तो 4 सीट पाई थी, लेकिन आने वाले चुनाव में 50% से अधिक सीटें महाराष्ट्र में एनसीपी जीतने जा रही है। खैर, ये उनका दावा है और किसी का दावा करना और उस पर कायम रहना, उसको सिद्ध कर देना, ये समय की बात होती है। क्या कुछ कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि सिर्फ बेटी सुप्रिया सुले और कुछ कार्यकर्ताओं की बदौलत वो एनसीपी को एक बार फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं और वो मान चुके हैं कि छगन भुजबल सहित उनके भतीजे अजीत पवार अब उनका साथ छोड़ चुके हैं और बीजेपी की गोद में है, बीजेपी के पाले में है। जो कुछ भी आप सोचें, जो भी कहना चाहें वो कह सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि एनसीपी की चर्चा न करके, इंडी अलायंस को मजबूत करने की चर्चा न करके शरद पवार ये क्यों कह रहे हैं कि राहुल गांधी को अब बहुत ध्यान से सुना जाता है, उनकी विश्वसनीयता बहुत ज्यादा बढ़ी है और आने वाले समय में वो देश का नेतृत्व करेंगे। ये तीन बातें उन्होंने कही। बात कुछ ऐसी है कि लालू यादव भी राहुल गांधी के बाराती बनने को तैयार हैं। वो कहते हैं कि आप दूल्हा बन जाइए, हम सब बाराती बनने को तैयार हैं। अच्छा, ये बात इधर लालू यादव कहते हैं, उधर शरद पवार कहते हैं। अब आप सोचिए कि सबसे ज्यादा मिर्ची अंदर ही अंदर किसको लगेगी, तो वो है नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार इसीलिए G20 के रात्रि भोज में शामिल होकर के प्रधानमंत्री के साथ एक फोटो खिंचा करके बाकायदा संदेश भी दे चुके हैं कि समय आने पर मैं ये दिखा दूंगा कि मैं कितना बड़ा पलटू राम हूं, जो कि मुझे कहा जाता है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये सोशल मीडिया पर जो प्रतिक्रिया चलती मैं उसी की बात आपसे कर रहा हूं। लेकिन सवाल यह है कि नीतीश की अपनी सोच थी, राहुल गांधी की अपनी सोच है, शरद पवार की अपनी सोच है, ममता बनर्जी की अपनी सोच है, लेकिन दो बड़े नेता इंडिया अलायंस के राहुल के लिए खुले तौर पर अब बैटिंग कर रहे हैं। एक है लालू प्रसाद यादव अर्थात RJD, दूसरी है NCP जिसके नेता है शरद पवार। हालांकि शरद पवार इन दिनों बहुत मुश्किल में है क्योंकि पार्टी उनकी विखंडित है, सिर्फ सुप्रिया सुले और कुछ कार्यकर्ताओं की बदौलत वो अपनी पार्टी को संभाल रहे हैं और अपना व्यक्तित्व भी महाराष्ट्र की राजनीति में सामने वो प्रस्तुत करते हैं। उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचने के बावजूद मराठा राजनीति में उनकी एक पकड़ है, ये किसी से छिपा नहीं है, लेकिन वो भी अब राहुल के लिए पूरी तरीके से एक समर्थक के तौर पर, बड़े नेता के तौर पर उभर आए हैं। सवाल यह है कि अब अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे। अरविंद केजरीवाल वैसे ही मुश्किल में फंसे हुए हैं क्योंकि एक एक करके सारे नेता जेल में जा रहे हैं। अब वो बचे हैं और कुछ उनके 2-3 और नेता बचे हैं, लेकिन वो दिल्ली के 7 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। NCP चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें वो महाराष्ट्र में लड़े, लेकिन शरद पवार ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में राहुल प्रधानमंत्री बनेंगे। अब आप सोचिए, इंडी अलायंस किस महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है जहां मंथन की एक ऐसी प्रक्रिया चल रही है जिसमें कोई नेता ये समझ ही नहीं पा रहा है कि स्टैंड लेना क्या।
और सब इस दौर में जब सोच के आगे बढ़ते हैं तो राहुल गांधी के अतिरिक्त उनको कोई विकल्प ही नहीं नजर आता, क्योंकि अगर ममता बनर्जी का वो जिक्र कर देते शरद पवार, तो एक पैरेलल लीडर जो कि वास्तव में क्लेम कर सकती है कि वो भावी प्रधानमंत्री बनेंगी अगर 2024 में इंडिया अलायंस, हालांकि इंडिया अलायंस बचा भी है इसमें संदेह है, जैसा कि वीके न्यूज पर हम शुरू से कहते आ रहे हैं, मोदी सरकार का या एनडीए का विरोध करना हो तो इंडिया अलायंस आपको सड़कों पर नजर आएगा, किसी सभा में नजर आएगा, किसी रैली में नजर आएगा, लेकिन उसके जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जैसे सीट शेयरिंग हो गई, कौन कन्वेनर होगा, कौन अलायंस का अध्यक्ष होगा, कौन भावी प्रधानमंत्री होगा, ये सब तो आम सहमति से होता है। ऐसी सहमति नहीं बन पा रही है, न बन पाएगी। जब ये सहमति बनाने की कोशिश होती है तो कुछ लोग बीमार हो जाते हैं, कुछ आ नहीं पाते और कुछ के बयान कुछ हो जाते हैं। अब बात रही कि फिर इंडिया अलायंस का नेता होगा कौन, तो अब एक और नेता सामने आएगा। अगर आज शरद पवार ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद ज्यादा परिपक्व हो गए हैं, उनकी विश्वसनीयता बढ़ गई है, आने वाले समय में वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, ये जो वाक्य है आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, अगर शरद पवार कह रहे हैं तो यकीन मानिए कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने इंडिया अलायंस के गठन के बाद इतना तो प्रयास कर लिया है कि फिलहाल विकल्प के तौर पर, भावी प्रधानमंत्री के तौर पर अगर कोई चेहरा पहले सामने लाया जाएगा तो वो होंगे राहुल गांधी। हालांकि इसमें अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी एक बड़ा रोड़ा बनेंगे, लेकिन शरद पवार और लालू जिस तरह से राहुल गांधी के सिंपथाइजर मॉड को शो कर रहे हैं, आप कह सकते हैं कि सिंपैथी जताते हैं, या यूं कहिए कि जो भारत में एक इमेज बनी हुई है, राजनीतिक छवि की बात मैं कर रहा हूं, उसमें शरद पवार अब ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ना वो स्वयं इस स्थिति में है कि भावी प्रधानमंत्री के रूप में अपने को प्रस्तुत कर सकें, क्योंकि उम्र के इस पड़ाव में तमाम शारीरिक परेशानियों के बावजूद भी वो पूरी तरीके से सक्रिय राजनीति में जुटे हुए हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के तौर पर अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए उन्हें और एक्टिव होना पड़ेगा, जो शायद उनके लिए थोड़ी सी चुनौती होगी जिस उम्र पर के पड़ाव पर वो हैं। ऐसे में वो चाहते हैं कि वो किंग मेकर की भूमिका में आ जाएं। लगता तो यही है, क्योंकि शरद पवार एक तरह से आप कह सकते हैं भविष्यवाणी कर रहे हैं और देश को, जनमानस को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी के प्रति यदि विश्वसनीयता नहीं है तो बढ़ा लीजिए। वो राजनीतिक चातुरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, बुद्धि कौशल का इस्तेमाल कर रहे हैं और एक प्रेडिक्शन भी कर रहे हैं कि आने वाले समय में राहुल गांधी प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे। अब देखना होगा कि एनसीपी उन्हें कितना समर्थन देती है, लेकिन चलते चलते एक सवाल आपसे हम जरूर उठाएंगे, अगर राहुल गांधी के हाथ को इतना मजबूत करना है शरद पवार को, तो जिस महाविकास अघाड़ी में वो हमेशा से उद्धव ठाकरे को एक केयर टेकर पीएम के तौर पर नियंत्रित करते रहे, आप कह सकते हैं कि वो एक किंग मेकर की भूमिका में रहे, शरद पवार की बात मैं कर रहा हूं, पार्टी की बात नहीं, क्या ये चाहते हैं कि आने वाले समय में राहुल गांधी, अगर वो स्थिति बने, वैसे बार बार कहता हूं कि अगर शब्द का इस्तेमाल होगा, क्योंकि इंडिया अलायंस अपने इस वर्तमान स्थिति में मोदी सरकार के विजय रथ को रोक पाएगा इसमें पूरा संदेह, ये किसी एक पार्टी या व्यक्ति का समर्थन नहीं है, स्थितियां परिस्थितियां हैं, एक नेता दूसरे नेता के साथ मोदी सरकार या एनडीए के खिलाफ मंच पर खड़ा हो जाता है और दूसरे ही दिन जब सीट शेयरिंग का कोई मुद्दा आता है तो वो सामने सामने लड़ जाता है। ये है इंडिया अलायंस का वो दौर और ये है इंडिया अलायंस की हकीकत, लेकिन उसमें शरद पवार जैसे नेता अगर राहुल गांधी के लिए खुल करके बोल रहे हैं तो मायने साफ है कि इंडिया अलायंस इस विषम परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी और उसके कर्ता धर्ता राहुल गांधी में भविष्य देख रही है ताकि इज्जत बच पाए। बचेगी या नहीं ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन राहुल की विश्वसनीयता बढ़ गई है और राहुल गांधी आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री बनेंगे,
ये बात शरद पवार ने अगर कही है तो इसके राजनीतिक मायने को आपको समझना होगा, जो हम बताने और इलेबोरेट या समझाने की कोशिश आपको की है। आप इससे कितना सहमत हैं अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस विशेष प्रस्तुति से मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए वीके न्यूज, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।